इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। दिल्ली में सीईसी बैठक का दूसरा दिन, ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज शाम 4 बजे सीईसी की बैठक होती नजर आएगी, जिसमें बिहार झारखंड की सीटों पर चर्चा होती नजर आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर इस दौरान चर्चा होनी है, वहीं अन्य कई राज्यों की सीटों पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, दिल्ली में सीईसी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीईसी की बैठक का दूसरा दिन है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? वहीं पहले दिन की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज लगातार तीसरे दिन देखने को मिलती हुई नजर आएगी कांग्रेस की। और आज के संदर्भ में हम बात करते हैं तो आज मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, यूपी की कुछ सीटें जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। यानी प्रथम चरण और दूसरे चरण के राज्यों की जो कुछ सीटें हैं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, वो चर्चा का विषय जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी जो लिस्ट है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है, क्योंकि नामांकन के संदर्भ में हम बात करते हैं तो नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के मतदान को लेकर जो है शुरू होती हुई जो है नजर आ रही है। और जो है कांग्रेस अपनी जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है फाइनलाइज करती हुई नजर आ रही है। कल जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें गुजरात की 10 सीटें क्लियर हो गई थी, महाराष्ट्र की 7 सीटें, राजस्थान की 7 सीटें जो है क्लियर होती हुई नजर आई थी। और ऐसे में आज भी हम बात करते हैं तो आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड ऐसी जो तमाम राज्य हैं उनकी जो सीटें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आएंगी। वहीं स्पर्श, जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों को लेकर देरी की जा रही है, उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि 2 सीटों पर अभी कांग्रेस को अपने उम्मीदवार घोषित करने, तो ऐसे में एक हथियार के तौर पर इसे सत्ता पक्ष अपनाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पर लगातार हमले बोल रहा है। देखिए, बिल्कुल, बीजेपी की हम जानते हैं करीब 250 से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है जारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसको चरणबद्ध तरीके से ले रही है। कांग्रेस ऐसे राज्य जहां पर मतदान जो है अंतिम चरण में या फिर लास्ट चरण में है उनको जो है बाद में जारी करती हुई जो है नजर आएगी। जहां तक हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, हरिद्वार सीट को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरीश रावत लड़ेंगे, उनका बेटा लड़ेगा, हरक सिंह रावत लड़ेंगे, ये तमाम चीज जो है पेच कहीं ना कहीं फंसा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही कई सारी सीटें हैं जहां पर जो है कई नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट की बात करें, प्रथम चरण में वहां पर चुनाव है, वहां से मौजूदा जो सांसद है दीपक बैज वो लड़ेंगे या फिर कवासी लखमा या उनके बेटे लड़ेंगे। कई सारी नाम है, पैनल है और उसी को देखते हुए जो है देरी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही। लेकिन जो प्रथम चरण की सीट है वो घोषित करनी है और उसी को लेकर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जी, सीसी बैठक का आज दूसरा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। बिहार झारखंड की सीटों पर इस दौरान चर्चा होनी है, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर भी इस दौरान मंथन होना है।